अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबसे पहले सुभान अल्लाह किसने कहा? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, सी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर, सी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुभान अल्लाह कहा। अब गुज़िश्ता एपिसोड में जो हमने सवाल करा था, उस सवाल का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। सवाल था, कुरान पाक के 30वें पारे में कुल कितनी सूरतें हैं? आपके ऑप्शन थे ए 32, बी 37, सी 39, डी 41। इसका सही जवाब है बी 37 सूरतें हैं। और सबसे पहले सही तीन जवाब देने वालों के नाम हैं महरोज़ मलिक बरेली शरीफ से, निशाल मलिक बरेली शरीफ से, तनु सैफी बरेली शरीफ से। आज का सवाल जिसका जवाब आपको देना है, सवाल है वित्र की नमाज़ क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए फ़र्ज़, बी वाजिब, सी सुन्नत, डी नफल। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब मालूम है तो आप फौरन कमेंट्स में अपना जवाब लिखें, जवाब के साथ अपना नाम और सिटी का नाम ज़रूर लिखें। सबसे पहले सही तीन जवाब देने वालों के नामों को अगले एपिसोड में शामिल किया जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब किन से लिया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, सी अबू जहल से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ए हज़रते जिब्राईल अलैहिस्सलाम से। सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठाई जाएगी? आपके ऑप्शन हैं ए शहद, बी पानी, सी गेहूँ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ए शहद। सबसे पहले दुनिया की नेमत शहद को उठाया जाएगा। सबसे पहले काबा शरीफ का तवाफ किसने किया? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, सी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, डी फ़रिश्तों ने। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर डी फ़रिश्तों ने। सबसे पहले गीबत किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए हाबील ने, बी शद्दाद ने, सी इबलीस ने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर सी इबलीस ने। सबसे पहले गइबत जो है इबलीस ने की।